करने हैं यहाँ पर। मैंने विधानसभा में भी अपने सारे तथ्य और आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर दिया कि आपकी घोषणाएं केवल घोषणाएं मात्र है, जमीन पर नहीं आई। आज भी आप बार बार सुन रहे हैं कि युवाओं को बहुत कुछ देंगे। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा इस सरकार के 4 साल में युवा ही परेशान हुए। जहाँ उनको भत्ता मिलना था वो भत्ता केवल 1,62,000 रुपये फिक्स कर दिया, जबकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ना वो 27 लाख से भी अधिक ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। पेपर आउट ने तो नौजवान की कमर तोड़ के रखी। बजट के समय कहा था हम इतने सिलेक्शन करेंगे, आज दिन तक उनका कुछ ही भाग सेलेक्ट हुआ है, बाकी सारे के सारे बच्चे या तो प्रोसेस में हैं या प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और कहीं कहीं प्रक्रिया का प्रोसेस हमारे टाइम पे पूरा हो गया। जो कमेटी थी उस कमेटी ने, पहले राम रुबाई जी की कमेटी नहीं थी, एक शायद कमेटी बनी थी, उसमें लगभग फाइनल सही था। जिले बनना तो निश्चित रूप से तय है, आज बनाओ या कल बनाओ, आवश्यकता भी है और बनने भी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ राम रुबाई जी की कमेटी के आधार पर अब की बात निश्चित रूप से इस विधानसभा में आज करो, चाहे अप्रोप्रिएशन बिल पे करो, घोषणा जरूर करो कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए वह करेंगे। वैसे ही जब पहले भाषण दिया था ना, 1, 2, 3, 4, 9, 10 सब कर्जा माफ, वैसे ही आज सब बच्चों को कहेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। होगा कहाँ से यार, आपके राज का समय केवल 8 महीने बाकी रहे हैं, अप्रैल से तो आपका ये बजट लागू होगा। 8 महीने में आप कौन सा आसमान उतार के धरती पे रख दोगे? रोने धोने वाला जो कुछ भी होगा आगे आएगा वो रोएगा। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को देखा, 2 तारीख को मैंने जितना 4 साल के राज्यपाल से कहलाए उनकी जो दुर्गति हुई उसको एक एक पॉइंट से बताया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री 2 गाली इधर देता है, 2 इधर देता है और अपनी बात कह करके उठ के चला जाता है। उन तथ्यों को छूते ही नहीं जिन तथ्यों को मैंने छुआ। रामरूपा कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट